नमस्कार दोस्तों, वेट एंड डेयरी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम एक गंभीर समस्या जिससे किसान भाई परेशान रहते हैं लेकर आए हैं। यह समस्या है कि जब आपकी हीफर है वो हीट पर आती है या खुल के हीट में नहीं आती, और जो भी आपका वेट या डॉक्टर आता है वो चेक करके बताएगा कि भाई इसकी तो बच्चेदानी ने ग्रोथ नहीं की, बच्चेदानी छोटी है, गन पास नहीं हो रही। तो उस समस्या में दोस्तों आपको अनेकों पाउडर, लिक्विड, सप्लीमेंट, इंजेक्शन बताए जाते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है जो बहुत महंगे होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सस्ता व आसान ट्रीटमेंट बताएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहले अपनी हीफर को 50 से 60 ग्राम आपको मिनरल मिक्सचर जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, बोयमिन बी है, चिलेमिन फोर्ट है, बोयमिन बी अल्ट्रा है, कोई भी बढ़िया कंपनी का आपको मिनरल मिक्सचर लेकर आपकी हीफर को 50 से 60 ग्राम आपको डेली कम से कम 1.5 से 2 महीने खिलाए। उसके बाद दोस्तों आप देखना आपकी हीफर बढ़िया खुल के हीट में आएगी और गन भी पास होगी। अगर 1.5 से 2 महीने मिनरल मिक्सचर खिलाने के बाद भी दोस्तों आपकी हीफर खुल के हीट में नहीं आ रही, तो दोस्तों एक इंजेक्शन प्रेग हीट आता है जैसे, तो इसमें साल्ट आता है एस्ट्रोडाइल बेंजोएट। तो एस्ट्रोडाइल बेंजोएट साल्ट का कोई भी इंजेक्शन है, 2 ml इंजेक्शन आता है, वो आप एक बार पशु को लगवाएं। उसके बाद दोस्तों बच्चेदानी में आराम से गन पास होगी, पशु खुल के हीट में आएगा और दोस्तों 100% कंसीव भी करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही शॉर्ट में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल वेट एंड डेयरी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।